आई थिंक अंकिता और मुनावर आर वेरी स्ट्रॉन्ग. विक्की बहुत उभर के आ रहा है. आई लाइक मनारा'स गेम ऑल्सो. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. फिनाले में या टॉप फाइव में तो ये तो ज़रूर रहेगा. आई थिंक अंकिता इज़ वेरी डोमिनेटिंग. बहुत ही अच्छी बात है. मैं थोड़ा थोड़ा फॉलो करता हूँ बिग बॉस के सीजन को, ज़्यादा नहीं, बिकॉज मेरे दोस्त हैं इस शो पर. दैट अंकिता, दैट विक्की, दैट मुनावर, तो ये तीन है जिनकी वजह से मैं कभी कभार देख लेता हूँ. आई थिंक अंकिता और मुनावर आर वेरी स्ट्रॉन्ग. विक्की बहुत उभर के आ रहा है. इंटरेस्टिंग. आई रियली लाइक द वे विक्की इज़ प्लेइंग. बट टक्कर अच्छी होगी. ये तीनों फाइनल्स में तो जाएंगे ही जाएंगे. नहीं, मुनावर की पर्सनालिटी एग्जैक्टली सेम है. वो अपने आप के लिए खेलता है एंड यहाँ पर भी अपने आप के लिए खेल रहा था. एंड दैट्स हाउ ऐसे रियलिटी शोज होते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द जर्नी आप अकेले ही होते हो. सबका कहना है कि वो फ्रंट पे आके खेले, तो आप उनको जितना भी जानते हैं, आपके हिसाब से फ्रंट पे खेले या बैक पे खेले? आई थिंक वो बैक में ही खेलते हैं. वो उनका गेम प्ले है. वो बैक में ही ज़्यादा खेलते हैं. वो उनकी स्ट्रैटेजी है. और मतलब यू कैन नॉट से दिस इज़ गुड और दिस इज़ बैड. उसको लॉकअप में हेल्प किया है बिग बॉस में. आई नो वन थिंग, फिनाले में या टॉप फाइव में तो ये तो ज़रूर रहेगा अलॉन्ग विद अंकिता एंड विक्की. बिकॉज द गेम इज़ डिफरेंट. द गेम इज़ बिग एंड दीज गाइज़ आर प्लेइंग रियली क्रेजी, रियली अमेजिंग. आई डोंट नो. आई लाइक मनारा'स गेम ऑल्सो. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. इंटरेस्टिंग है. आई थिंक शी टू विल बी इन द टॉप फाइव. अभी तक कोई दिखा नहीं पाया विराज जैसी मैडनेस. कोशिश करते हैं लेकिन दिखाया नहीं है. विक्की ने थोड़ी सी दिखाई अभी. आई थिंक पिछले हफ्ते थोड़ा पागल हुआ है. बट विराज जैसी मैडनेस अभी तक इसमें आई नहीं है. एंड आई थिंक जब मैं बिग बॉस में था, ये लोग चाहते थे कि मैं विराज के रूप में जाऊं. बट विराज जैसा एक ही होता है. ओके, और अगर वो मेरे से निकल गया तो फिर आई बी बिहाइंड बाज. आई थिंक अंकिता इज़ वेरी डोमिनेटिंग. बहुत ही अच्छी बात है. आई लाइक वुमेन हु आर डोमिनेटिंग. इट्स गुड. ओके, और विक्की भी अल्फा है. अंकिता भी एक अल्फा है. और दो अल्फाज के बीच में जब लड़ाई होती है या लोगों से लड़ाई होती है तो फिर